पिपराइस थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान तेजस्वी पटेल पुत्र छेदी पटेल निवासी रीठिया थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, दूसरा पवन राजभर पुत्र राम निवास निवासी हरकापुर थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, तीसरा रामपाल राजभर पुत्र गुलाब निवासी हरकापुर थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक पिस्टल एक खोखा कारतूस एक जिंदा कारतूस एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 14 अप्रैल को थाना पिपराई क्षेत्र में अपराधियों की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखते ही फायरिंग करके जंगल में भाग गए। पुलिस द्वारा जंगल में पीछा किया गया, तब जंगल में अभियुक्त गढ़ों की बाइक असंतुलित होकर गिर गई। बाइक पर पीछे बैठा अभियुक्त वहां से भागने का प्रयास करने लगा, किंतु बाइक चला रहा अभियुक्त पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया, जहां उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल की स्थिति सामान्य है। गिरफ्तारी अभियुक्तों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइस थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह, नागेंद्र मणि, आलोक कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादव, आदित्य उपाध्याय, राकेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शिव गोविंद, अशोक कुमार, कांस्टेबल सुजीत सिंह, ब्रिजेश यादव, संजीव यादव, भानु प्रताप सिंह, महिला कांस्टेबल विद्या शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, गोरखपुर के थाना पिपराइच में दिनांक 10 तारीख को शाम के 8:30 बजे एक फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जिनका नाम कि विपिन है, जो कि बगल के गांव के रहने वाले थे, उनकी गोली लगने से मृत्यु हुई थी और एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ था। घटनास्थल का निरीक्षण सभी उच्च अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस गंभीर घटना को गोरखपुर पुलिस द्वारा एक चैलेंज के रूप में लिया गया। इसके सफल अनावरण और अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए एसपी नॉर्थ साहब, सीओ चौरी चौरा, एएसपी अंडर ट्रेनिंग के निर्देशन में थाना व एसओजी स्वाट और सर्विलांस की टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया। वादी पक्ष द्वारा 5 लोगों को नामजद करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। नामजद 2 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज सुबह हुई मुठभेड़ में इस घटना से संबंधित 2 मुख्य अभियुक्त तेजस्वी पटेल और पवन राजभर को भी गिरफ्तार किया गया है और 5वें नामजद रामपाल राजभर को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इस तरह से इस घटना को कारित करने वाले 5ों नामजद अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध असलह भी बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था वो भी बरामद हुआ है। इस घटना में इनका सहयोग करने वाले या शरण देने वाले 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजा गया है। इस घटना की पृष्ठभूमि इस तरह से है कि विगत कुछ महीनों से 2 पक्षों के बीच में वहाँ पर किन्हीं मुद्दों को लेकर के तनातनी चल रही थी। इसमें पूर्व मुकदमे भी पंजीकृत हुए थे और दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला करने की योजना बना रहे थे, जिसमें कि ये घटना कारित हुई है। इसमें जो घटना कारित करने वालों का मुख्य जो टारगेट था वो विश्वास तिवारी नाम का व्यक्ति था, जिसको इनके द्वारा हमला किया जाना था, लेकिन गोली दूसरे व्यक्ति को लगी। विश्वास तिवारी भी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। इन दोनों पक्षों के जो भी सहयोगी हैं, जो भी इनके गिरोह में शामिल हैं या आपराधिक गतिविधियों में इनका सहयोग करते हैं, सभी का एक खाका तैयार किया जा रहा है। सभी की आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं और सभी के बारे में गोपनीय सूचनाएं ली जा रही हैं। वहाँ पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जिसके द्वारा भी इनका सहयोग किया गया होगा पूर्व में या अब, या जिनके द्वारा भी इनको संरक्षण दिया गया होगा, उन सब के ऊपर भी आने वाले दिनों में बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पक्ष से हों। वजह क्या थी?
देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विगत कई महीनों में एक मुकदमा पहले तो लिखा गया था, जिसमें अभियुक्त पक्ष की लड़की को के संबंध में धारा 363-66 का मुकदमा लिखा गया था। वह एक रंजिश का कारण बना और उसके बाद क्रिकेट मैच के दौरान दोनों पक्षों में हुए विवाद, जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे पंजीकृत हुए थे, वो एक विवाद जो पूर्व से चला आ रहा था, यही इस घटना को कारित होने का मेन वजह रही। सर, कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, टोटल इस घटना में वादी पक्ष द्वारा 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, 5ों के 5ों इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।